हेलो दोस्तों, हिंदी व्याकरण प्रश्नोत्तरी में आज अपने बात करने वाले हैं समास से संबंधित कुछ प्रश्नों के विषय में। समास से किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं, कौन से इसके मुख्य नियम बनते हैं, इम्पोर्टेंट रूल हैं वो कौन से हैं, उन सभी के विषय में हम बड़े विस्तार से यहाँ पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो डेली टेस्ट सीरीज है वो इम्पोर्टेंट है रीट भर्ती परीक्षा के लिए, पटवार भर्ती परीक्षा के लिए, एसआई भर्ती परीक्षा के लिए या फिर एलडीसी भर्ती परीक्षा, चाहे वो किसी भी संस्थान के द्वारा ली जाने वाली हो, हाईकोर्ट हो चाहे आरपीएससी हो। दोस्तों जहाँ पर भी हिंदी व्याकरण पूछी जानी है उन सभी के लिए ये प्रश्नोत्तरी बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाली है। दोस्तों तो चलिएगा शुरू करते हैं आज के टेस्ट कोड, देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न है वो कौन सा है। तो दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है अव्ययीभाव समास है। ये चार विकल्प हमारे सामने हैं और इनमें से हमें बताना है कि कौन से शब्द में अव्ययीभाव समास है। दोस्तों विद्यालय में है, मनमाना में है, कनफटा में है या फिर भरपेट में है, कौन से में है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास का उदाहरण कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है वो है नंबर चार, भरपेट। भरपेट में क्या होगा? अव्ययीभाव समास होता है। दोस्तों अब यहाँ पर इस बात को समझ लीजिएगा, अव्ययीभाव समास कौन सा होता है? नंबर एक बात तो कि उसमें जो है वो प्रथम पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है? प्रथम पद प्रधान होता है। दूसरा, ये वाक्य में अधिकतर क्रिया विशेषण का काम करता है। दोस्तों किसका काम करता है? क्रिया विशेषण का काम करता है। तीसरी बात आप यहाँ कह सकते हैं कि इसमें प्रथम पद है जो अव्यय होता है, या फिर देखिएगा संस्कृत के जो उपसर्ग हैं, संस्कृत के उपसर्ग आपको यहाँ मिलेंगे। जैसे कि हम कहते हैं आ जन्म, जैसे आ एक उपसर्ग रह गया, यथाशक्ति यथा उपग्रह सॉरी उपसर्ग रह गया, तो इस प्रकार के जो शब्द हैं यानी संस्कृत के जो उपसर्ग हैं वो ज़्यादातर इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा देखिएगा यहाँ कई बार ऐसा भी आपको मिलेगा कि पूरा का पूरा जो पद है, जो पूरा पद है वो अव्यय की तरह काम करता है। अव्यय यानी जिसका अपने कोई लिंग वचन क्रिया के हिसाब से परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जैसे ये शब्द है अपने पास में भरपेट। अब भरपेट देखिएगा, भरपेटों नहीं हो सकता, भरपेटी नहीं हो सकता, कुछ भी इसका नहीं बनता। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पर पुनरुक्ति वाले जो शब्द हैं वो भी इसी में अपने मान लेते हैं, जैसे कि धीरे धीरे। अब ये जो धीरे धीरे हैं, देखिएगा ये जो डैश का चिन्ह आपको यहाँ भी मिलेगा और द्वंद्व समास के कुछ शब्दों में भी मिलता है, तो धीरे धीरे का जो यहाँ पर काम रहेगा वो अधिकतर क्रिया विशेषण के रूप में रहता है। जैसे राम धीरे धीरे चलता है तो वो चलने की विशेषता है। आई होप आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। तो अव्ययीभाव समास यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, यहाँ पर प्रथम पद उपसर्ग तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये पूरा का पूरा पद जो है वो किसके रूप में काम कर रहा है, ये जो काम कर रहा है वो अव्यय के रूप में कर रहा है, इसलिए यहाँ पर अव्ययीभाव समास होगा। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला हमारा प्रश्न है रामचरित में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, द्विगु समास है या फिर द्वंद्व समास है, कौन सा समास है? दोस्तों तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर है वो है नंबर एक, तत्पुरुष समास है। दोस्तों तत्पुरुष समास रामचरित में है, रामचरित का अपने इस प्रकार से विग्रह कर सकते हैं, राम का चरित्र या फिर चरित्र हम कह सकते हैं। अब देखिएगा तत्पुरुष समास कौन सा होता है? एक तो इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। और देखिएगा दूसरी बात, इसके लिए आपको क्या आनी चाहिए? इसमें कारक आने चाहिए आपको, क्योंकि इसमें जो कारक होते हैं उनका लोप हो जाता है, और जब हम देखिए समास करते हैं तब तो कारक चिन्हों का लोप हो जाएगा। जैसे राम का चरित्र था, इस कारक चिन्ह को हम यहाँ से हटा दें तो रामचरित्र रह गया, और जब हम देखिए विग्रह करते हैं तो इन जो हमारे कारक चिन्ह हैं, विभक्ति चिन्ह हैं, इनको वापस ले आते हैं। तो देखिएगा कारक कुल आठ होते हैं, आठ में से जो पहला और आखिरी जो संबोधन है उनको हटा दें तो उसके बाद में छः जो कारक बचते हैं उसी के आधार पर इसके छः भेद भी हुआ करते हैं। दोस्तों तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है तत्पुरुष समास। कर्मधारय समास वो होता है जिसमें विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, एक शब्द दूसरे की विशेषता बताता है, जैसे नील कमल हो गया, यानी नीला है जो कमल, जो शब्द का प्रयोग यहाँ पर ज़्यादातर होता है। दोस्तों द्विगु भी एक प्रकार का कर्मधारय ही होता है, बस यहाँ पर जो विशेषण है वो कौन सा रहता है, वो संख्या रह जाता है। दोस्तों जैसे चतुर्मास हम कहें, या इस प्रकार का कोई भी शब्द लें अपने, जहाँ पर पंचवटी या कुछ भी ऐसा शब्द लें जहाँ पर संख्या
का उपयोग किया गया हो दोस्तों, तो वो कौन सा होगा? वो होगा द्विगु समास, यानी जिसमें प्रथम जो पद है वो संख्यावाचक होता है दोस्तों, और ये किसी संख्या या समाहार का बोध करवाने का कार्य करता है। और यहाँ देखिएगा द्वंद्व समास कौन सा होगा, इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं, दोनों ही प्रधान होते हैं। देखिएगा घर में जब दोनों प्रधान हो जाएंगे तो फिर झगड़ा यानी द्वंद्व होना स्वाभाविक है दोस्तों। तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होंगे, जैसे माता और पिता। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको और अच्छे से बता देता हूँ, इस बात को समझ लीजिएगा। हम बहुत बार पढ़ते हैं, अच्छे से याद भी करते हैं कि इसमें प्रथम पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, तो हम अधिकतर ये याद करने के लिए अच्छा है, लेकिन कभी भी परीक्षा में आता है तो ज़्यादातर हम इस आधार पर नहीं पहचान पाते कि कौन सा पद प्रधान हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर प्रधान का जो तात्पर्य है वो होता क्या है? प्रधान का तात्पर्य ये होगा कि जो भी लिंग वचन कारक के अनुसार अपने परिवर्तन करते हैं, यानी जो क्रिया है हमारी, इस क्रिया का जो रूप परिवर्तन हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है, किस शब्द के कारण से हुआ है। जैसे हमने एक लिखा शब्द राजपुत्र, तो इसमें समास है राजा का पुत्र। अब देखिए इसमें द्वितीय पद प्रधान कैसे होगा, अगर मैं लिखता हूं राजपुत्र और अगर मैं लिख रहा हूं राजपुत्री, और दोनों को ही जाना है, तो राजपुत्र के लिए मैं क्या लिखूंगा, जा रहा है, और इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, जा रही है। अब ये जो रहा है रही है का परिवर्तन हुआ किस शब्द के आधार पर हुआ, इस दूसरे शब्द के आधार पर हुआ दोस्तों, इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि इसमें दूसरा पद जो है वो प्रधान होता है दोस्तों। बात करें अगले प्रश्न की, अगला हमारा प्रश्न है जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या फिर अव्ययी भाव समास, जिसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है उस समास को हम क्या कहते हैं दोस्तों, क्या होगा सही आंसर? तो इसका जो सही आंसर है, अभी हमने बात भी की है, तो तीसरा हमारा सही होगा, द्वंद्व समास कहते हैं, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं दोस्तों। इसका विग्रह करें तो ज़्यादातर और शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे राजा रानी, राजा और रानी, दिन रात, दिन और रात, तो इस प्रकार के शब्दों का जब भी प्रयोग होता है तो वहां पर हम द्वंद्व समास को लेकर के चलते हैं दोस्तों। और बहुत बार जो है इनमें शब्दों का प्रयोग जो होता है वो विलोम के रूप में होता है दोस्तों, और लगेगा या फिर या भी लग जाता है, जैसे लाभ हानि, लाभ या हानि, धर्माधर्म, धर्म या अधर्म, तो इस प्रकार के विलोम शब्दों का प्रयोग भी यहाँ पर होता है। बात करें अगले प्रश्न की, स्वतः हमारा प्रश्न है बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है, इनमें से बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा होगा दोस्तों, यथाशक्ति है, चंद्रशेखर है, राजकुमार है या फिर नीलकमल है दोस्तों। बहुव्रीहि शब्द का उदाहरण जो है इसका उदाहरण कौन सा है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है, यथाशक्ति है, चंद्रशेखर है, राजकुमार है या फिर नीलकमल है दोस्तों, क्या होगा सही आंसर इसका? जो हमारा सही आंसर है वो है नंबर दो, चंद्रशेखर, जिसके शिखर पर चंद्र है, शेखर पर चंद्र है। तो ये जो शब्द है हमारा बहुव्रीहि, इसमें ये शब्द न आकर के हम उपयोग करते हैं किसी अन्य व्यक्ति के लिए जहाँ पर कोई अन्य अर्थ निकलता है, तो बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा हो गया, चंद्रशेखर। पांचवें शब्द की हम बात करें, अपादान तत्पुरुष समास, पांचवा जो हमारा प्रश्न है वो है अपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है, पदच्युत है, शोकाकुल है और बाढ़ पीड़ित है या फिर हस्तलिखित है, अपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है दोस्तों, कौन सा है? तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा हमारा, अपादान कौन सा होता है, अपादान में भी से का प्रयोग होता है, लेकिन से का प्रयोग अलग के अर्थ में होता है, तो ऐसा देख लीजिएगा कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर है हमारा पदच्युत, पदच्युत यानी पद से च्युत, यानी पद से वो क्या हो रहा है, अलग हो रहा है दोस्तों, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, पदच्युत को अपादान तत्पुरुष समास के रूप में लेकर के चलते हैं। अपादान तत्पुरुष समास वो होगा जहाँ पर एक चीज़ दूसरे से क्या हो रही है, अलग हो रही है। हस्तलिखित, हस्त से लिखित, यहाँ पर भी देखिए से ही आता है, हस्त से लिखित, लेकिन यहाँ पर जो है वो करण तत्पुरुष समास होता है, यहाँ पर करण इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर से का जो अर्थ है वो द्वारा के रूप में है, यानी हस्त के द्वारा लिखित, यहाँ पर जो से है वो माध्यम के रूप में कार्य कर रहा है, किस रूप में काम कर रहा है, माध्यम के रूप में, लेकिन यहाँ पर अपादान में जो है वो अलग होने के अर्थ के रूप में कार्य कर रहा है। तो जब से है, इसका एक अच्छा सा उपाय यही है कि देखिएगा पदच्युत हमने लिखा या फिर हमने लिखा हस्तलिखित, हस्तलिखित ये हमने दोनों शब्द लिखे और हमें नहीं पता है कि कौन सा इनमें से अपादान है या फिर करण है,
तो इसमें पहचान के लिए हम इसमें देखिएगा करण जो होता है, करण के अंदर अपने से भी लगा सकते हैं और के द्वारा भी लगा सकते हैं। से को हटा करके के द्वारा लगा करके देख लेना, अगर हमारा वाक्य सही बन रहा है, अर्थ निकल पा रहा है, तो फिर करण होगा, अन्यथा फिर कौन सा होगा, वो होगा अपादान। जैसे हम कहें पद च्युत, तो अब पद से च्युत ठीक है, लेकिन हम कहें पद के द्वारा च्युत, तो पद के द्वारा किया हुआ च्युत नहीं होता है, तो इसलिए ये करण नहीं हो सकता। हस्तलिखित या हस्त के द्वारा लिखित, दोनों में कोई भी फर्क नहीं है, कोई भी अंतर नहीं आ रहा है, इसलिए कौन सा होगा, ये होगा। इसके अलावा याद रखिएगा जहाँ पर भी भीत होने की, भयभीत होने की बात हो, वहाँ पर हमेशा कौन सा समास होगा, वहाँ पर अपादान होता है, सॉरी अपादान कारक होता है, इसलिए अपादान तत्पुरुष समास हमेशा आएगा। जो कारक वहां पर लोप हो रहा है वही समास उसके अंदर होगा। आई होप आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। बात करें अगले प्रश्न की, द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, कौन सा जो है निम्न में से द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, यानी इसमें दोनों पद प्रधान नहीं है, कपड़े लत्ते हैं, पान तंबाकू है, राग विराग है, या फिर घर घर है। दोस्तों कौन सा जो है वो द्वंद्व समास का उदाहरण इनमें से नहीं है। आई होप आप अच्छे से इस क्वेश्चन के आंसर को निकाल सकते हैं। हमने इसके विषय में पहले भी बात की, अगर हल्का सा रिकॉल करेंगे तो आंसर आपका निकल जाएगा। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 4। यहाँ घर घर का मतलब होता है प्रत्येक घर, और ये कौन से में आता है, ये अव्ययी भाव का था, आपको याद होगा रिपीटेशन वाले जो भी शब्द थे वो इसी में आते हैं। दोस्तों बात करें अगले प्रश्न की, 7वां हमारा प्रश्न है, कौन सा समास है जिसमें विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है, जैसे संबंध तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्यय भाव समास, या फिर द्वंद्व समास, कौन सा है जिसमें विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है, यानी वो कारक सॉरी वो शब्द जिसमें एक शब्द तो विशेषण होगा और एक होगा विशेष्य, कौन सा होगा। दोस्तों सही आंसर है हमारा नंबर 2, यानी कर्मधारय समास में ऐसा होता है। दोस्तों जैसे हमने पहले भी बात की इसके विषय में कि नील कमल जो शब्द है इसमें कर्मधारय हो जाएगा, कमल कैसा है, नीला है, तो ये तो देखिएगा क्या हो गया, कमल की विशेषता है इसलिए ये विशेष्य हो गया, और नील क्या हो गया, विशेषण हो गया, ये उपमान हो गया, ये उपमेय हो गया। तो यहाँ पर इसी प्रकार से आप देख सकते हैं विशेषण और विशेष्य का संबंध इनके अंतर्गत पाया जाता है, एक शब्द तो विशेषता बताएगा, दूसरा जिसकी विशेषता बताई जा रही है। बात करें अगले प्रश्न की, अगला हमारा प्रश्न है किस समासिक पद का विग्रह गलत है, ये 4 हमारे सामने हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन से का विग्रह जो है वो गलत है। दोस्तों यथाक्रम क्रम के अनुसार अधमरा आधा है, जो मरा हुआ मंत्री परिषद मंत्रियों के लिए परिषद, पांच पात्रों का समाहार, कौन सा विग्रह जो है इसमें से गलत है। दोस्तों कौन सा है, इसका सही आंसर आपको बताना है, यानी विग्रह गलत है वो बताना है, 4 में से 3 सही है, 1 गलत है। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 3, मंत्रियों की परिषद होगा दोस्तों, मंत्रियों के लिए परिषद नहीं होगा। दोस्तों तो आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, संप्रदान नहीं है, मंत्रियों की परिषद है, संबंध है, क्योंकि मंत्रियों की परिषद होती है, मंत्रियों के लिए परिषद नहीं होती है। दोस्तों बात करें अगले प्रश्न की, उससे पहले एक और बात मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिएगा बैलगाड़ी आ गया, अब यहाँ पर देखिएगा हम इसके 2 विग्रह कर सकते हैं, बैल की गाड़ी और दूसरी आती है बैल के लिए गाड़ी। अब यहाँ पर देखिएगा कौन सा होगा, बैल की गाड़ी होगा या बैल के लिए गाड़ी होगा। दोस्तों कौन सा होगा, बैल के लिए गाड़ी, यानी जो ये भी नहीं होगा, और इनसे भी अलावा जो अर्थ है एक और हम ले सकते हैं, बैल से चलने वाली गाड़ी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं, बैलगाड़ी में देखिए बैल की गाड़ी, बैल के लिए गाड़ी है, तो फिर बैलगाड़ी का क्या करेगा, उसको नहीं चाहिए भाई। बैलगाड़ी हम किसको कहते हैं, वो गाड़ी जो बैल से चलती है, आपको इसी प्रकार से लेना होगा। जैसे हम कहें घोड़ा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी फिर घोड़े की गाड़ी नहीं होगी, घोड़ा गाड़ी का क्या करेगा, या घोड़े के लिए भी गाड़ी होगी क्या, घोड़ा गाड़ी का क्या करेगा, गाड़ी तो हमें चाहिए, घोड़े से चलने वाली गाड़ी होगी वो घोड़ा गाड़ी हो जाएगी, रेलगाड़ी रेल पर चलने वाली गाड़ी हो जाएगी, और ऊंट गाड़ी ऊंट से चलने वाली गाड़ी हो जाएगी। तो ऐसे शब्दों को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों इसको अपने लुप्त पद तत्पुरुष समास में भी देखते हैं, ये बाकी 6 से अलग होता है। आई होप आप इस बात को भी अच्छे से समझ गए होंगे, प्रश्न ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने यहाँ पर चर्चा की, क्योंकि जो ज़्यादातर प्रश्न आते हैं आपके इसी प्रकार से आते हैं, दही बड़ा से संबंधित, रेलगाड़ी से संबंधित, ये क्वेश्चन आपके आने की ज़्यादा संभावना रहती है। बात करें 9वें प्रश्न की, कौन सा सामासिक पद सही नहीं है, ये 4 हैं और हमें बताना है कौन सा विग्रह सही नहीं है, 4 मास का समाहार चतुर्मासिक,
हस्त द्वारा लिखित हस्तलिखित, विवाह का इतर विवाहितर, या फिर भय से आक्रांत भयाक्रांत। क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर? तो इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है। सही आंसर होगा हमारा नंबर 3, विवाह का इतर नहीं होगा दोस्तों, विवाह से इतर होगा, यानी विवाह से अलग जो भी होता है दोस्तों वो इसमें आता है। जैसे कई बार आपने ये शब्द लिखे हुए देखे होंगे, विवाहेतर संबंध, तो विवाह से इतर जो भी संबंध है उनको लेंगे, अपने विवाह का संबंध नहीं लेंगे दोस्तों यहाँ पर। तो ये हमारा गलत था, इसलिए ये सही समासिक पद नहीं है दोस्तों। बात करें अगले प्रश्न की, अगला हमारा 10वां प्रश्न है, किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? 10वें में हमें बताना है कि कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें द्वंद्व समास नहीं है। सीताराम, परशुराम, हानिलाभ या फिर भाई बहन, कौन से में द्वंद्व समास नहीं है दोस्तों? क्या होगा सही आंसर? तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 2, परशुराम में नहीं है। अब यहाँ हम बात करें सीताराम, सीताराम का क्या होगा? सीता और राम, एक चीज याद रखिएगा, ये जो भी जुड़े वाले होते हैं वो सारे के सारे द्वंद्व में ही आते हैं। जहां पर जुड़े की बात हो वो सारे के सारे द्वंद्व में ही आएंगे। क्योंकि क्यों आएंगे? क्योंकि ये देखिएगा, दो शब्द हैं और बीच में योजक चिन्ह भी हमने लगा रखा है। इसके अलावा एक और चीज आपको ध्यान रखिएगा, पुरुष और स्त्री में से स्त्री का नाम हमेशा पहले आता है, चाहे वो गौरीशंकर हो, चाहे वो सीताराम हो, चाहे वो राधा कृष्ण हो, इसी प्रकार अपने इसका उपयोग करते हैं। लेकिन परशुराम कौन होगा? परशु को धारण करने वाला, ये परशु को धारण करने वाला होता है, इसलिए यहाँ पर द्वंद्व समास न होकर के ये बहुव्रीहि के रूप में अपने लेकर के चलते हैं दोस्तों। इसके बाद में हानि लाभ, हानि लाभ का क्या होगा? हानि या लाभ, ये द्वंद्व समास में आता है। भाई और बहन, ये भी द्वंद्व समास में आता है, इसमें नहीं है दोस्तों। बात करें अगले प्रश्न की, 11वां हमारा प्रश्न है, किस शब्द में द्विगु समास है? चौराहा, त्रिभुज, चतुरानन या फिर सप्ताह, कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें द्विगु समास है दोस्तों? ये हमें बताना है। यहाँ इस क्वेश्चन को थोड़ा सही कर लीजिएगा, द्विगु समास नहीं है, हमें वो पद बताना है दोस्तों। कौन से शब्द में द्विगु समास नहीं है हमें वो बताना है। चौराहा, त्रिभुज, चतुरानन या फिर सप्ताह। तो दोस्तों क्या होगा सही आंसर? कौन सा जो है वो द्विगु समास का उदाहरण नहीं है, नहीं बताना है। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 3, चतुरानन में नहीं है दोस्तों। चतुरानन जो शब्द है उसमें द्विगु समास आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि चतुरानन चार जिसके सर हों। एक बात याद रखिएगा, एक से ज़्यादा सर, दो से ज़्यादा हाथ, दो से ज़्यादा पैर, कुछ भी, दो से ज़्यादा आँखें, ऐसा आपको मिले या तो वो किसी देवता का नाम होगा या किसी राक्षस का नाम होगा, वो कहीं भी सामान्य मनुष्य नहीं होता। तो जो भी असामान्य है वो सारे के सारे बहुव्रीहि समास में आते हैं। चौराहा, त्रिभुज, ये सारे के सारे सात दिनों का समाहार, ये सारे के सारे द्विगु समास में आते हैं दोस्तों। बात करें अगले प्रश्न की, किसमें तत्पुरुष समास नहीं है? ये जो चार ऑप्शन हमारे पास में है हमें बताना है, इनमें से कौन से शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? मुख कमल, पथ भ्रष्ट, रोगग्रस्त या फिर स्वर्गपतित, कौन से में तत्पुरुष समास नहीं है दोस्तों? तो दोस्तों क्या होगा सही आंसर? इसका जो हमारा सही आंसर है वो है नंबर 1, मुख कमल। मुख कमल में नहीं है, मुख है जो कमल के समान, यानी फिर कौन सा हो गया? उपमान और उपमेय वाला हो गया, विशेषण विशेषण वाला हो गया, तो ये कर्मधारय हो गया दोस्तों। कौन सा हो गया? कर्मधारय समास हो गया, कर्मधारय समास हो गया, ये श्रेणी में नहीं आता है। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, रोग से ग्रस्त, स्वर्ग से पतित, यानी स्वर्ग से गिरा हुआ दोस्तों। तो दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं, 13वां हमारा प्रश्न है, किस शब्द में अव्यय भाव समास है? हमें बताना है इनमें से अव्यय भाव समास कौन से में है दोस्तों? यथाविधि, प्रजापति, शुद्ध जल या फिर निवास, कौन से में है दोस्तों? कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें अव्यय भाव समास है दोस्तों? कौन से में है? तो हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1। देखिएगा यहाँ पर पहला शब्द कौन सा है, उपसर्ग है या नहीं? संस्कृत का उपसर्ग है, तो पहला पद संस्कृत के उपसर्ग में हो तो फिर वो अव्यय भाव के अंतर्गत आते हैं। बात करें अगले प्रश्न की, किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? हमें बताना है इनमें से कौन से शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? माता पिता, परमपिता, भला बुरा या फिर दाल रोटी, कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें द्वंद्व समास नहीं है, द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है हमारा वो होगा नंबर 2, परमपिता में नहीं है। माता और पिता है, भला या बुरा है, दाल और रोटी है या दाल रोटी आदि है।
परमपिता जो है, परमपिता परमात्मा या फिर ईश्वर के लिए हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं, तो बहुव्रीही के रूप में भी हम इसको देख सकते हैं दोस्तों। तो ये हमारा सही आंसर होगा, यानी इसमें द्वंद्व समास तो कम से कम नहीं है दोस्तों। बात करें 15% की, असंगत हमें बताना है इनमें से कौन सा असंगत है, यानी कौन सा विकल्प जो है वो गलत है, किसका विग्रह गलत हुआ है दोस्तों। यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, आमरण मरने तक, बाकायदा कायदे के अनुसार, कौन सा होगा सही आंसर, या फिर आसमुद्र समुद्र के आसपास, कौन सा होगा दोस्तों सही आंसर, असंगत कौन सा है। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 4, ये सही है। यथाशक्ति शक्ति के अनुसार होता है, आमरण मरण तक होता है, बाकायदा कायदे के अनुसार होता है, लेकिन आसमुद्र जो है समुद्र के आसपास नहीं होता, तो ये हमारा असंगत हो गया। बात करें 16वें प्रश्न की, सुसंगत है हमें यहाँ बताना है कि अच्छी तरह से जो संगत है यानी जो बिल्कुल सही है वो विकल्प हमें बताना है, हस्तलिखित, वनवास, तुलसीकृत या फिर दयार्द्र, इनमें से कौन सा जो है वो सुसंगत है हमें वो बताना है दोस्तों, जो बिल्कुल सही है वो हमें बताना है। हस्तलिखित हस्त में लिखित, वनवास वन में वास, तुलसीकृत तुलसी का रचित, या फिर दयार्द्र दया में आर्द्र। तो दोस्तों सही आंसर होगा हमारा नंबर 2। हस्तलिखित हमने बात की थी, हस्त से लिखित होगा या फिर हस्त के द्वारा लिखित भी हो सकता है दोस्तों। वनवास वन में वास ये हमारा बिल्कुल सही है, तुलसीकृत तुलसी द्वारा कृत होगा ये रचित, इस प्रकार से शब्द परिवर्तन अपने नहीं कर सकते। दयार्द्र कौन सा होगा, दया से आर्द्र होगा दोस्तों, तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर था। बात करें अगले प्रश्न की, दही बड़ा समासिक पद का विग्रह क्या होगा, दही का बड़ा, दही और बड़ा, दही या बड़ा, या फिर दही में डूबा बड़ा, कौन सा होगा सही आंसर। तो दोस्तों हमारा सही आंसर होगा वो है नंबर 4, दही बड़ा, दही और बड़ा, ये देखने में लगता है ये होगा नहीं, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। दही एक तरफ पड़ा और बड़ा फिर एक तरफ पड़ा, तो अगर दही में नहीं पड़ा बड़ा तो फिर वो कौन सा दही बड़ा, फिर वो दही बड़ा नहीं होगा। दही बड़ा तो वही होगा जिसमें दही है और दही में बड़ा जो है वो डूबा हुआ है। अगर दही अलग पड़ा है, बड़ा अलग पड़ा है, इसका मतलब तो यही हुआ कि एक तरफ पड़ा है बड़ा और एक तरफ पड़ा है दही, तो दोनों अलग अलग हैं, तो फिर दही बड़ा नहीं हो सकता। दही में डूबा हुआ जो बड़ा है उसे ही हम दही बड़ा कहते हैं दोस्तों। बात करें अगले प्रश्न की, 18वां हमारा प्रश्न है, बहुव्रीही समास में कौन सा पद प्रधान होता है दोस्तों, कौन सा होता है, पहला, दूसरा, कोई भी पद नहीं, या फिर दोनों पद होते हैं। बहुव्रीही समास में कौन सा पद प्रधान होता है आपको ये बताना है पद की प्रधानता के आधार पर। तो दोस्तों सही आंसर है हमारा नंबर 3, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं हुआ करता है। ये 4 होते हैं दोस्तों, नंबर 1 तो आप लेंगे अव्ययी भाव समास पद प्रधानता के आधार पर, दूसरा आ गया अपना तत्पुरुष समास, तीसरा आ गया द्वंद्व समास, और चौथा आ गया बहुव्रीही समास। अब देखिएगा, पहला पद प्रधान होगा तो वो अव्ययी भाव हो जाएगा, दूसरा कौन सा हो गया तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। द्वंद्व देखिएगा, एक घर में दो लोग होते हैं जो डिसीजन ले सकते हैं दोस्तों, आई होप आप मेरी भावना को समझ रहे होंगे। दो लोग हैं, किसी भी घर में दो लोग होते हैं जो डिसीजन ले सकते हैं। पहला नाम आप इसी से समझ लीजिएगा, राधा कृष्ण ले लीजिएगा या फिर सीताराम ले लीजिएगा, पहला है और ये दूसरा है, तो दूसरा स्थान किसका हुआ भाई, पुरुष का हुआ ना, तो जिसमें दूसरा पद कौन सा होगा, पुरुष होगा, यानी दूसरा पद प्रधान होगा। दूसरा पद प्रधान होने के कारण हम इसको तत्पुरुष समास के रूप में देखते हैं, ये बात सिर्फ याद रखने के लिए है। द्वंद्व समास कौन सा होगा, जब देखिएगा घर में पहला भी प्रधान हो गया, दूसरा भी प्रधान हो गया, यानी इसके भी डिसीजन चल रहे हैं, इसके भी डिसीजन चल रहे हैं, तो दोनों में क्या होगा, टकराव होगा, झगड़ा होगा, झगड़े को हिंदी में द्वंद्व कहते हैं, तो इसमें दोनों ही पद प्रधान होंगे दोस्तों। और जब न तो ये डिसीजन ले रहा है न ये डिसीजन ले रहा है, यानी दोनों में से किसी को भी डिसीजन लेने की पावर नहीं है, तो फिर कौन लेगा डिसीजन, फिर तो कोई बाहर का व्यक्ति ही लेगा दोस्तों। और जो ज़्यादातर किससे संबंधित होता है, एक नंबर पे कौन आती है, बहू, तो बहू के परिवार से ही संबंधित होता है बहुव्रीही, तो इसलिए कौन सा हो जाएगा, बहुव्रीही समास हो जाएगा, जिसमें दोनों पद क्या हो गए, प्रधान नहीं होते हैं, दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं, कोई अन्य ही अर्थ निकलता है, परंपरागत अर्थ हमारा यहाँ निकलता है दोस्तों। और एक बात इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा बहुव्रीही समास को, कि
बाकी जो भी हमारे समास हैं हम उनका विग्रह काम में ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर विग्रह काम में न लेकर के हम पर्यायवाची काम में लेंगे। जहाँ भी पर्यायवाची काम में ले रहे हैं वो बहुव्रीहि में आता है। इसका एक अच्छा सा उदाहरण आप ले सकते हैं, लंबोदर, लंबा है जिसका उदर। हम ये कहते हैं कि हमें प्रातःकाल लंबोदर की पूजा करनी चाहिए। तो हमें प्रातःकाल लंबोदर की पूजा करनी चाहिए। अब लंबो उस शब्द को हमें हटाना है तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, हमें प्रातःकाल जिसका उदर लंबा है उसकी पूजा करनी चाहिए। तो एकादा तो घर में आपको इस प्रकार का व्यक्ति मिल ही जाएगा, तो फिर क्या हम उसकी पूजा शुरू कर देंगे क्या? नहीं, बल्कि हम क्या कहेंगे उसके स्थान पर, हम एक दूसरी जो वैकल्पिक शब्द है जो पर्यायवाची है हम उसको काम में लेंगे। हमें प्रातःकाल लंबोदर कौन होता है? गणेश। यानी हम ऐसा कहेंगे हमें प्रातःकाल गणेश की पूजा करनी चाहिए, न कि जिसका उदर लंबा है उसकी पूजा करनी चाहिए। फिर तो हमारे भाव ही बदल जाएंगे दोस्तों। तो आई होप आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। थोड़ा समझाना भी मेरा उद्देश्य था, इसलिए मैंने आपसे ये सारी बातें की हैं। बात करें अगले प्रश्न की, 19वां हमारा प्रश्न है, किस विकल्प में विग्रह जो है वो गलत है हमारा, कौन सा है? धर्मपरायण, धर्म में परायण, भयभीत, भय के द्वारा भीत, कृष्णाश्रित, कृष्ण को आश्रित, राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, कौन सा है जिसका विग्रह गलत है दोस्तों? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है इनमें से कौन सा होगा? तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 2, ये गलत है दोस्तों। भय के द्वारा भीत नहीं होगा, ये होगा भय से भीत। तो ये हमारा विग्रह सही नहीं है। धर्म प्रायण, धर्म में प्रायण है, ये बात हमारी सही है। और यहाँ पर आपको बता भी दूँ कौन सा होगा, अपादान होगा। और अपादान है वहाँ पर के द्वारा नहीं लगा सकते, क्योंकि भीत होने की जहाँ भी डर की बात होगी वहाँ पर अपादान कारक होगा, तो अपादान तत्पुरुष समास ही होगा। कृष्णाश्रित ये सही है, राष्ट्र का पति ये भी सही है दोस्तों। बात करें अगले प्रश्न की, 20वां हमारा प्रश्न है, किस पद में कर्मधारय समास नहीं है हमें ये बताना है। महापुरुष, महात्मा, राजपुरुष या फिर काला सांप, कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें कर्मधारय समास नहीं है? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3, राजपुरुष में कर्मधारय समास नहीं है, इसमें तत्पुरुष समास है दोस्तों। तो महापुरुष यानी महान है जो पुरुष, कर्मधारय कौन सा होता है याद होगा आपको, इसमें विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। महान है जो पुरुष, महात्मा यानी महान है जो आत्मा, और काला सांप काला है जो सांप। लेकिन इसकी बात करें राजा पुरुष यानी राज का पुरुष अपने कह सकते हैं दोस्तों, तो इसलिए यहाँ पर ये नहीं होगा दोस्तों। तो ये हमारा नहीं है, बाकी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, वो कर्मधारय समास के ही उदाहरण है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे समास से संबंधित कुछ प्रश्न। आई होप आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। कल फिर अपने समाज से ही संबंधित कुछ प्रश्नों को और देखेंगे जो हमारे 20वें टेस्ट के अंदर अपने बात करने वाले हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, दोस्तों से शेयर करना मत भूलना क्योंकि यह काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो और इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन वीडियो आपको रोजाना मिलते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं कल के टेस्ट में कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।